हे एवरीवन, मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं और उन बच्चों की बहुत सारी परेशानियों का समाधान निकालने जा रहे हैं जिसमें हमें नीट 2024 में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बिंदु पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जवाब तो ये है बेटा कि किसी भी मुद्दे पर पहुंचने से पहले, किसी भी फैसले को लेने से पहले उसका पूरा मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि क्या नीट 2024 सच में आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट साबित होगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि 2023 की तरह आप 24 में भी इस मौके को गवा जाएं और एक नया प्रेशर आपके दिमाग में जनरेट हो जाए कि यार मैंने एक साल फिर बर्बाद कर लिया। इसलिए अगर आपने नीट 2023 के बाद 24 में फिर से ड्रॉप लेने का फैसला लेना है या नहीं लेना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है और इसके बाद आप किसी कंक्लूजन में पहुंचने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें जरूर और शेयर करें अपने दोस्तों से, वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नीट 2023 की कहानी से स्टार्ट की जाती है आज का पॉइंट। नीट 2023 में आप में से बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, जिनमें से मैक्सिमम बच्चे ये होंगे जो 12th के बाद फर्स्ट टाइम एग्जाम में आए होंगे। 11th 12th के साथ नीट की तैयारी करना बहुत पॉसिबल नहीं होता। रीजन ये है कि आप 11th का भी प्रेशर है या 12th का प्रेशर है, आपको जानकारी उतनी होती नहीं है या फिर आपको उतना प्रेशर नहीं होता है और उसी समय पे बोर्ड के एग्जामिनेशन भी आ जाते हैं, इसलिए कई बार बच्चे ऐसी चीजों को नहीं कर पाते हैं और नीट में उतना फोकस नहीं हो पाता। तो यदि आप 12th में हैं या 12th पास आउट है, पहली बार आपने नीट का एग्जाम दिया है, तो आपको बेसिक तौर पर आपको बेसिकली आप ये ध्यान रखें कि आपको मुख्य तौर पर ये एग्जाम देना ही चाहिए यदि आपका इसमें पैशन है। तो सबसे पहले बच्चे जो 12th पास आउट इस साल हुए हैं वो अपने पैशन को पहचाने कि आपकी जिंदगी में जो चीजें चाहिए क्या वो एमबीबीएस से ही सेटिस्फाई हो पाएंगे या फिर एमबीबीएस से ही आपको चीजें मिल पाएंगी। यदि आपका उन खुशियों का रास्ता किसी अन्य जगह से निकल कर आता है तो अन्य रास्तों की तरफ भी आप देख सकते हैं। बेवजह का अपने दिमाग में प्रेशर ना रखिए, मतलब वो कहते हैं ना बेवजह ना दिल पे बोझ भारी रखिए, और ये जिंदगी जंग है और जिंदगी की जंग को जारी रखिए। तो आप चाहे एमबीबीएस करें चाहे कुछ भी करें, आपको तो जंग तो लड़नी ही पड़ेगी। तो यदि आपका सपना यह है कि मैं डॉक्टर बनूं तो आप डॉक्टर के पैशन की तरफ में आगे बढ़े, अदरवाइज बाकी ऑप्शंस को भी आप तलाश सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक चीज की तरफ भागते भागते आपका जो आपको पता चले नहीं ये मेरा पैशन नहीं था, ये तो मेरी जिद थी, मैं किसी और चीज से भी खुश रह सकता हूं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले से ही इसे डिसाइड कर लें। फिर भी अगर आपने नीट 2023 के बाद 24 में नीट लेने का फैसला कर ही लिया है कि हम नीट 2024 लेंगे, करने से पहले एक बात का ध्यान रखना बेटा, एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है जिसे इतना मुश्किल नहीं है लेकिन मुश्किल थोड़ा सा तो पड़ेगा, कठिन तो जरूर है। मतलब यह है कि थोड़ा सा रास्ता कठिन है, अनंत काल तक मतलब कठिन नहीं रहेगा। अगर आप एक रास्ते को सही तरीके से पकड़ ले तो आप बेशक आप उस मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। अब अगर आप नीट 2024 में एंटर कर रहे हैं, ये वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जो 2023 में नीट दिया, साल भर ड्रॉप ले चुके हैं और इस बार उनका सेकेंड ड्रॉप है। इन बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत है, इन बच्चों को अब ड्रॉप लेने में, सेकेंड ड्रॉप लेने में फैमिली इनकी मदद नहीं कर रही है या फिर आसपास का माहौल इनका मदद नहीं कर रहा है या इनकी कंडीशन इनकी मदद नहीं कर रहा है नीट 2024 में ड्रॉप लेने के लिए। ऐसे बच्चों के लिए मैं एक प्रॉपर सजेशन देना चाहूंगा, यदि आपने फर्स्ट ड्रॉप नहीं लिया है, आप सेकेंड ड्रॉप में हैं इस बार, मतलब फर्स्ट ड्रॉप नहीं मतलब इवन सेकेंड ड्रॉप है आपका, तो आपको कुछ इवैल्यूएशन करना होगा। आप एक कॉपी निकालिए और कॉपी में एक चीज जरूर लिख लीजिए कि यार जब मैं कॉपी देख रहा हूं तो उस कॉपी में मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं अपने। अब वो बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, वो बिंदु ये हो सकता है कि नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और नीट 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है आज हम उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा फिजिक्स, इन तीनों को हम साथ में लिखते हैं। अब इन तीनों को लिखने के बाद हमें यह आज परखना है कि क्या हमने नीट 2023 में किया था, मेरे बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने को मैं जानता तक नहीं था, केमिस्ट्री में कितने सही कितने गलत, कितने को मैं जानता भी नहीं था, फिजिक्स सही कितने गलत, कितने की क्या चीजें हुई है, ये इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से ये नहीं समझ पाएंगे कि आप 2023 का पूरा चिट्ठा निकालिए, वो कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से नीट 2023 में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या तुम्हारे टीचर्स खराब थे, क्या तुम्हारी कंडीशन खराब थी, नेटवर्क खराब था, मौसम खराब था, बिजली ज्यादा कड़क रही थी या फिर गर्मी ज्यादा पड़ रही थी या ठंड ज्यादा पड़ रही थी या इस बार बिना मौसम के बरसात हो गई, वो कोई भी रीजन आप निकालिए क्योंकि ये रीजन 2024 में भी आने वाले हैं।
तो क्या तुम नया करोगे नीट 2024 में? क्या कुछ बेहतर कर सकते हो नीट 2024 में? इसका मूल्यांकन तुम्हें आज ही करना होगा। आज ही क्यों? क्योंकि अगर तुमने आज नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद तुम बाकी 25 लाख बच्चों से पिछड़ जाओगे। जिन्हें करना है, जिन्हें शुरुआत करनी है, वो शुरुआत कर चुका है। शुरू में ही मैंने कहा था कि अगर जज्बा हो, जुनून हो इस कठिन लड़ाई को लड़ने का, तो ही फैसला लेना। अदरवाइज ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है। इसे फैसले लेने के लिए आपको सोच समझ के लेना होगा। अगर आपका जिद, जुनून और पैशन सारी चीज नीट से नहीं होती है, तो आप दूसरे सपने की तरफ में जा सकते हैं। अभी भी रास्ते खुले हैं। ये रास्ता उन जुनूनी पागल लोगों के लिए है जो जीवन में हर चीज त्याग के सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये पैशन है तो ही आप इस रास्ते में घुसने की हिम्मत रखें। वो होता है ना कि घर पे मतलब होता है कि हम वो मतलब सरफिरे हैं, जिसका सरफिरा हो वो हमारे साथ चले, बाकी लोगों की, हमारे दिमाग वालों की जरूरत भी है ही नहीं। समझ रहे पॉइंट को? तो अगर आपके अंदर भी ये पागलपन है कि नहीं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये ही मिलेगा, और मैं इसको सिर्फ जुनून नहीं, अपनी जिद नहीं, दिनचर्या बनाना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफस्टाइल इसके हिसाब से रखना चाहता हूं। अगर मुझे कोई कहेगा कि 3 बजे उठ के पढ़ना होगा तो मैं पढ़ूंगा। अगर मुझे टीचर कहेंगे कि आज 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा। यदि इसके लिए मुझे किसी की शादी, ब्याह, दोस्ती, बर्थडे, कुछ भी भूलना पड़े, मैं भूलूंगा। ये जुनून है। तो आप 2024 का ड्रॉप लीजिए। रीजन ये है बेटा, क्योंकि हम जब तक खुद से ना ये बातें नहीं करेंगे ना कि हमने 23 में गलतियां क्या की हैं, तब तक 24 के लिए हमें सीख नहीं मिलेगी। हमें सीख लेना बहुत जरूरी है। आप ये सपोज एक पॉइंट बताता हूं, आप पूरे 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में से देखिए कि कितने क्वेश्चंस के आपको बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा, ऊपर से चला गया पूरा, कितने क्वेश्चन डायरेक्टली तुमने बना लिए। अगर तुम्हारे पास ये साल भर पढ़ाई की है, साल भर तुमने कोई बैच ले रखी थी, साल भर तुमने पढ़ाई की है, तो ऐसा कैसे हो गया कि तुमसे 40-45 क्वेश्चन बने ही नहीं? तुमने ऐसी कौन सी कमी रखी थी 2023 में जिसे तुम पूरा करके 2024 में अच्छा कर सकते हो? क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, कोई भी टीचर तुम्हें कमजोर नहीं पढ़ाएगा। कोई भी टीचर, हर टीचर एनसीईआरटी पढ़ाएगा। बहुत सारे टीचर्स के पढ़ाए हुए तो ओवरऑल क्वेश्चन भी पूरे आ गए, परंतु यहां पर कमियां जो है तुम में है, क्योंकि तुमने पूरा वक्त नहीं दिया। क्या वो डिसिप्लिन जो फर्स्ट डे तुम्हें बनाना था वो तुमने साल भर फॉलो किया? नहीं किया। या तुमने डेली एमसीक्यू बनाए? क्या तुमने बैकलॉग को कवर करने की कोशिश की? क्या तुमने बाकी चीजों से ज्यादा नीट की तरफ प्रेफरेंस दिया? अगर दिया तो तुम्हें ड्रॉप लेने का हक है, और तुम्हारी फैमिली से तुम्हें सपोर्ट भी जरूर मिलेगा। पर यदि तुमने ये सारी चीजें नहीं की, तो क्या गारंटी है कि नीट 2024 में भी तुम ये सब चीजें नहीं करोगे? तो क्या तुम सिर्फ नीट की भीड़ बढ़ाने के लिए पेपर दे रहे हो, या फिर सच में रैंक लगाने का कोई जज्बा है? अगर जज्बा है रैंक लगाने का, तो पूरा यूनिवर्स, पूरी ये कायनात तुम्हें डॉक्टर बनाने पर लग जाएगी, अगर तुमने अपनी गलती से सीख लिया तो। यह गलती से सीखना पड़ेगा, याद रखना। अगर एक बार तुमने अपने आप से गलती से सीख ली, तुम्हारे अंदर एक कमी जाग गई कि हां मैंने ये कमी की थी, नीट 2024 तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, ड्रॉप लेने से पहले दिमाग में ये प्रेशर जरूर डालिए कि सच में क्या आप कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है, तो मैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, और हम आपको नीट 2024 में सिलेक्ट करवा कर ही मानेंगे। पर यदि आपका जवाब ना है, थोड़ा सा भी डगमगा रहा है हौसला, थोड़ा भी सा किंतु परंतु वाला सवाल दिमाग में है, तो बेटा यहां पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज आप अपने इस ड्रॉप लेने के फैसले को वापस ड्रॉप आउट करो और वापस चले जाओ अपने किसी अन्य रास्ते पर। यह हौसले बुलंद करने की राह है। यहां पर बाउंस बैक करना पड़ेगा। जितनी तेजी से तुमने पीछा लिया है, उतनी ही तेजी से आगे दौड़ना पड़ेगा, और सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा। 25 लाख बच्चों से तेज दौड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इस सिलेक्शन के लिए अब सिर्फ जिद, जुनून और पागलपन ही है वो जो तुम्हें सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब तुम अगर नीट 2023 के 24 के बाद 24 के लिए सिलेक्शन पे जाओ, तो अपने दिमाग में एक बात जरूर रखना कि मुझ में जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और इस हौसले को और बुलंद करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए द ग्रेट हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ लाइव बैच, आरंभ बैच नीट 2024 के लिए। 22 मई से ये बैच स्टार्ट हो रही है, और इस मई की जो 22 मई को ये स्टार्ट हो रही है, इसका
शुरुआत हो चुका है, बहुत सारे टॉपर्स बच्चों ने इसे अपने आप को एनरोल कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सबसे बड़ा फीचर है इस बैच का बेटा, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, स्ट्रीम लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा ए स्टार टॉप बैच है जिसमें सबसे होशियार बच्चों का एक लिस्ट बनाया जाएगा और उन पे बहुत मेहनत की जाएगी कि उनका रैंक बढ़िया से बढ़िया और बढ़िया होता जाए। इसके अलावा बैकलॉग सीरीज भी आपकी करवाई जाएगी हर महीने मैराथन के फॉर्म में, जो हम साल के अंत में करवाते थे अब वो चीज हर महीने होगी मैराथन के फॉर्म में। महीने भर पढ़ाया हुआ आपको रिवीजन करवाया जाएगा, बैकलॉग कवर हो जाएगा। फीचर्स जो है परफॉर्मेंस चेक भी किए जाएंगे ताकि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उन्हें और मोटिवेट किया जा सके, और जिनके नंबर कम आ रहे हैं उन्हें भी कहा जा सके यार कि तुम एक नंबर कैसे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली क्लासेस की डीपीपी मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा होमवर्क मिलेगा, टीचर्स की स्लाइड मिलेंगी, टीचर्स की नोट्स मिलेंगे, मतलब वो हर चीज जो आपको इस बैच में मिल सकती है जो एक नीट 2023 के एग्जाम को निकालने में, 24 के एग्जाम को निकालने में मददगार हो सकती है, वो हर एक चीज इस बैच में मिलने वाली है। सो प्लीज आप इसका सिलेक्शन करते समय आप इन बातों का पूरा ध्यान रखें कि लाइव बैच है। इसमें बहुत सारे टीचर्स में से सबसे गिन चुन के अच्छे टीचर्स आपके लिए तलाश किए गए हैं। पार सर और मैं बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, विक्रम सर और कामेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, शुभम सर और विपिन सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और ये मिलने वाला है मात्र 6,999 रुपए में। वैसे तो ये बैच 11,999 की है, परंतु 6,999 रुपए में 15 मई तक आपको ये बैच मिलेगी। 01247158250 पे आप कॉल करें, आरंभ कूपन कोड यूज करते ही आपको आरंभ बैच के पूरे जो वीडियोस हैं वो सारी चीजें मिलने लग जाएंगी और आप शुरुआत कर पाएंगे अपने नीट 2024 के सपने को। 15 मई से बैच स्टार्ट हो रही है, तब तक अपने दिमाग में ये जोर डालिए क्या सच में आपको नीट या डॉक्टर बनना है। यदि बनना है तो ऐसे ही जुनूनी लोगों की जगह है ये आरंभ बैच। जिन बच्चों के अंदर जुनून है आप जरूर आइए और यहां पर एनरोल करिए। याद रखना, अगर तुम में करने का जज्बा नहीं है तो सोचने का जज्बा भी तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। झूठे ही छलावा देने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अगर कुछ करना है, कुछ करना है, वो एक पॉइंट मैंने कई दिनों पहले पढ़ा हुआ था कि अगर तुम्हें आसमान पे उड़ना है तो कोई तुम्हारी खिड़की छोटी कर सकता है, खुला हुआ आसमान हमेशा उतना बड़ा ही रहेगा। तो उस खिड़की से निकलने के लिए परिस्थिति, वो खिड़कियां हैं, वो कभी छोटी कभी बड़ी होती रहेंगी, पर अगर तुम्हें उड़ना है तो तुम्हारे उड़ने की जो मंजिल है वो आसमान है, हमेशा खुला हुआ है, उड़ सको तो उड़ो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहिए। होप सो आपकी ये जो प्रॉब्लम है नीट ड्रॉप लेने की या ना लेने की, ये सॉल्व हो गई होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें हमारे अपने सभी दोस्तों से, अनसब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। लव यू ऑल, बाय।